वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स इन श्री दिगंबर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दौसा। एज यू नो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ आवर 22 वीडियो लेक्चर्स ऑन टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर्स वी विल नो अबाउट सम ऑफ द फीचर्स राइटिंग प्रोसेस, द टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस। इसमें हम ये देखेंगे कि टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस जो हमारा पॉइंट्स है, इसमें किस तरह से, एक तो राइटिंग प्रोसेस है कि लिखने की कला या लिखने की जो गतिविधियाँ होती है उसमें कौन कौन से टूल्स या कौन कौन सी फीचर्स यूज में ली जाती है। बट व्हेन वी ऐड द वर्ड्स ऑफ टेक्निकल, इट मीन्स द राइटिंग प्रोसेस इज चेंज्ड इनटू द सम वर्ड्स, दैट इज़ वी कैन से अबाउट द राइटिंग प्रोसेस इज द मॉडर्न प्रोसेस विथ सम ऑफ द टूल्स यूज ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस। तो लिखते समय जो हम किसी और चीज़ का या फिर माध्यम का सहारा लेते हैं, वहाँ पर वो टेक्निकल राइटिंग प्रोसेस यूज होता है। स्टेजेज इन रिसर्चेज, यहाँ पर हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है राइटिंग प्रोसेस में। आइडेंटिफाई और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी रुचि किस विषय में, किस क्षेत्र में है, तभी जा कर के हम उस रिलेटेड फील्ड या सब्जेक्ट से जुड़ी हुई उन सभी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट या सोचने का कार्य करेंगे। परफॉर्म ए लिटरेचर रिव्यू, फिर उससे रिलेटेड और भी कुछ लेख सामग्री जिसके द्वारा हमें मोर इन्फॉर्मेशन मिल सके, ज़्यादा जानकारी हमें मिल सके, ताकि हमारा जो आर्टिकल्स होगा वो बेहतरीन और प्रभावशाली बने। जनरेट रिलेटेड क्वेश्चंस, तथा हमारी जो राइटिंग है या जो भी लेखन है, उस लेखन के अंदर हम अपनी तरफ से कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप करें ताकि रीडर्स को लगे कि रियल में जो मैं कुछ पढ़ रहा हूँ उससे रिलेटेड जानकारी मुझे पुटअप करके अपने स्तर से उसकी इन्फॉर्मेशन या उसका आंसर देना चाहिए, तो उसका इंटरेस्ट बराबर बना रहता है। स्टेट योर अनसॉल्व प्रॉब्लम्स और हाइपोथेसिस, लिखते समय एक ख़ास चीज़ का ध्यान और रखना होता है कि आपके राइटिंग स्टाइल्स के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स लाइक दैट रिलेटेड टू द ग्रामेटिकल, रिलेटेड टू द लैंग्वेज लिंग्विस्टिकल, इससे संबंधित कोई भी दिक्कतें होती है या समस्याएं आती है, तो उनको भी हम हमारी उस राइटिंग के अंदर जगह दे सकते हैं, तथा अपनी तरफ से हाइपोथेसिस, कुछ काल्पनिक और भी चीज़ उसमें डाल सकते हैं, ताकि पाठक को वो हमारी सामग्री रियल जैसा इफ़ेक्ट डाले। फाइंड और डेवलप ए सॉल्यूशन, दूसरी बात यह है कि हमारे राइटिंग प्रोसेस या राइटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा जो भी जितने भी दिक्कतें आई, उन दिक्कतों का ही, उन समस्याओं का, उन प्रॉब्लम्स का भी डिस्क्लोज हमें हमारी उस राइटिंग के अंदर करना चाहिए, ताकि रीडर्स को लगे कि ये बिल्कुल जो राइटर्स है, पोइट है, उसने अपनी रियलिटी ट्रूली विथ ट्रूथनेस के साथ में डिस्क्लोज की है। डॉक्यूमेंट योर रिजल्ट्स, आपके द्वारा की गई जितने भी अचीवमेंट्स है उसका भी आप इसके अंदर जिक्र कर सकते हैं, इन्फॉर्म दे सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट, थेसिस गाइडलाइन, जब हम किसी विषय या बिंदु के ऊपर शोध करें तो उसके कुछ मार्गदर्शन बिंदु होते हैं, उसका हमें फॉलो करना चाहिए। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट, हम उसका सार लिखें, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव एंड मोटिवेशन। लिखने से पहले हम उसका परिचय दें, कुछ प्रोत्साहन जैसी चीज़ें हैं वो उसमें डालें। लिटरेचर रिव्यू, आपने जो भी संक्षिप्त में या सार लिखा था उसमें आपने कौन से ऐसे काव्य या साहित्य का सहारा लिया
उसको भी प्रकाशित करना चाहिए। मटेरियल्स एंड मेथड, रिजल्ट्स, डिस्कशंस, कंक्लूजन एंड फ्यूचर वर्क, इन सभी बिंदुओं के ऊपर हमें वहाँ पर पब्लिश या उसका इन बिंदुओं के ऊपर हमें प्रकाश डालने की ज़रूरत होती है। रेफरेंसेस, कौन सी किताब का या किस राइटर्स का हमने सहारा लिया, वो भी हमें यहाँ पर दिखाना होता है। नेक्स्ट है थेसिस गाइडलाइंस के बाद में जो हमारा वर्क होता है, वो हमारा वर्क जो राइटिंग प्रोसेस के अंदर एक्चुअली लिया जाता है वो है एब्स्ट्रैक्ट राइटिंग पहला, ठीक है। सार लेखन, सार लेख किस तरह से होता है, उसमें सबसे पहले बिंदु जो था मोटिवेशन का था। मोटिवेशन से तात्पर्य यह है कि हम पाठक को परिचय के दौरान इस तरह से मोटिवेटेड या प्रोत्साहित करें ताकि लास्ट तक उसका उत्साहवर्धन बना रहे। व्हाई डू वी केयर अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द रिजल्ट्स। अब ये मोटिवेटेड के द्वारा जो क्वेश्चन पुटअप करना होता है वो इस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि हमें उन समस्याओं या परेशानियों के बारे में क्यों सोचना चाहिए तथा उसके क्या परिणाम होते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ योर वर्क, इससे क्या होता है, हमारे कार्य की महत्ता बढ़ती है। डिफ़िकल्टी ऑफ द एरिया, इससे ये भी पता लगता है कि कौन से जोन के अंदर आपको राइटिंग प्रोसेसिंग करते समय प्रॉब्लम्स आई, आपका वर्ड प्रॉब्लम थी, लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम थी या फिर और कोई थी। इम्पैक्ट इफ़ सक्सेसफुल, आप उन सॉल्यूशंस को भी यहाँ पर दिखाएं जिनके माध्यम से आपने उन समस्याओं के ऊपर निजात पाई। हेल्प्स टू मेक द प्रॉब्लम्स मोर इंटरेस्टिंग, तथा अपने इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर वे भी आपको आर्टिकल्स शो करने होते हैं जिनके माध्यम से आपने अपनी उन समस्याओं से निजात पाई। एब्स्ट्रैक्ट मोटिवेशन में ये हमारा ये था। नेक्स्ट होता है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में वे जो समस्याएं कौन कौन सी है वो, व्हाट प्रॉब्लम्स आर यू ट्राइंग टू सॉल्व। इसमें फिर पाठक का उत्साहवर्धन के दौरान कुछ क्वेश्चन इस तरह के पुटअप करने होते हैं कि किस तरह की समस्याएं थी जिसको आप हल करने का कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज द स्कोप योर वर्क, आपके कार्य में क्या कमी या उसका संभावनाएं थी जिसमें और सुधार कर सकें। जनरलाइज्ड अप्रोच, और फिर और फॉर ए स्पेसिफिक सिचुएशन। एक तो ये थी जनरलाइज्ड अप्रोच, आम समस्या जो हर किसी को भी पता हो, या फिर ए स्पेसिफिक सिचुएशन, कोई विशिष्ट स्थिति की या विशिष्ट स्थिति से जुड़ी हुई दिक्कत। बी केयरफुल नॉट टू यूज टू मच जर्गन। एक खास बात ये भी ध्यान रखना होता है कि लेखन कला के दौरान हमें अपने खुद की वस्तु स्थिति को भी ध्यान में रखना पड़ता है। हम अपनी तरफ से कोई ऐसे वर्ड्स का ज़्यादा इस्तेमाल न करें जिसके ऊपर पाठक के ऊपर विपरीत असर पड़े। बार बार कोई ऐसा जर्गन या फिर एक्सप्रेशन करने वाले वर्ड्स का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। पुट द प्रॉब्लम्स स्टेटमेंट बिफोर द मोटिवेशन। दूसरी बात, पाठकों के मन स्थिति में जगह बनाने का सबसे अचूक तरीका ये भी है कि आप अपने उस समस्याओं से बिल्कुल भी न घबराएं और न संकोचित हों लिखते समय कि मुझे ये समस्याएं मेरे इस लेखन कला के अंदर उजागर करूं या न करूं। अगर मैं उजागर कर दूं कहीं पाठकों के मन में गलत विपरीत प्रभाव तो न पड़ेगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसका सटीक और प्रभावशाली असर पाठकों के मन स्थिति पर पड़ता है। उनको लगता है कि वाकई लेखक ने अपनी वस्तु स्थिति की जो भी स्थिति थी उससे रिलेटेड समस्या को यहाँ पर उजागर किया। अक्सर हर व्यक्ति के जीवन में इस तरह की समस्याएं आती है तो आपका प्रभाव पाठकों पर ज़्यादा होता है और आपका लेख और भी ज़्यादा प्रभावशाली बनता है। ओके, नेक्स्ट है ओनली इफ ऑडियंस अंडरस्टैंड्स एंड द प्रॉब्लम्स इम्पोर्टेंस। लेकिन उसी
समय या ऐसी स्थिति के ऊपर ही हमें अपने उन प्रॉब्लम्स को डिस्क्लोज करना चाहिए जहाँ जिस जगह के श्रोतागण उस रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहे हों या उनके लाइफ या वर्क के अंदर भी इस तरह की कोई दिक्कतें आई हो, तो उसी जगह पर एक स्पेसिफिक मेथड या टाइम जोन होता है जहाँ पर हमें अपनी उस प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है। अप्रोचेज, इससे तात्पर्य होगा सुगमता से। हाउ डिड यू सॉल्व और प्रोग्रेस ऑन द प्रॉब्लम्स? डिड यू सिमुलेशन, एनालिटिक मॉडल्स, सॉलिड मॉडल्स, FEA, प्रोटोटाइप्स, कंस्ट्रक्शन एटसेट्रा? कौन कौन से तरीके आपने अपनाए उन कठिनाइयों से निजात या कठिनाइयों को दूर करने के लिए? What was the extent of your work? आपके कार्य का जो मूल भाव था वो क्या था? What important variables did you control, ignore or measure? हमें ये भी दिखाना होता है कि कौन से खास ऐसे कार्य क्षेत्र थे जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा फोकस डाला, कौन सी ऐसी वस्तु स्थितियाँ थी जिसके ऊपर आपने नियंत्रण किया और कौन सी ऐसी स्थितियाँ थी जिनको बिल्कुल भी अपने लेखन के अंदर जगह ही नहीं दी। तो ये हमें खुद को तय करना होता है। जब हमें सारे जोन या एरियाज को ध्यान में रखकर की राइटिंग जब की जाती है तो हमारे पाठकों के ऊपर इसका असर प्रतिकूल असर पड़ता है, अनुकूल असर पड़ता है, प्रतिकूल नहीं पड़ता। क्योंकि यदि हमने इन समस्याओं या इन निजातों को डिस्क्लोज नहीं किया तो हमारे पाठक सोचेंगे कि शायद इन्होंने पाठक के दिलो दिमाग के ऊपर आपके लेखन का प्रभाव ज़्यादा असर नहीं दिखाएगा। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें दिखानी पड़ती है। जो चीज़ दिखानी की हो उसे दिखाना भी है, जो चीज़ को हमें छोड़ना है तो उसको भी बाय पॉइंट के द्वारा एक्सप्रेशन जरूर करना है। उनकी अभिव्यक्ति बहुत ज़रूरी है कि इस कारण से हमने इस कार्य क्षेत्र को हमारे लेखन कला में जगह नहीं दी। कंक्लूजन्स, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ योर आंसर? आपने अपने जवाब के अंदर क्या सुधार किया? इज इट गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड? क्या आपके लेखन कला में इतनी कोई ताकत है जिसका असर वाकई आने वाली पीढ़ी पर पड़ेगा, जिससे कुछ महान परिवर्तन भी होगा? आर योर रिजल्ट्स जनरल्स? क्या आपके परिणाम जो प्रतिफल थे वो वाकई सामान्य थे या फिर कुछ विशेष थे? जनरलाइजेबल और स्पेसिफिक टू ए पर्टिकुलर केसेस? तो ये सारे चीज़ों के बारे में, इन बिंदुओं के बारे में हमें संक्षिप्त तौर में सभी जानकारी देना अनिवार्य होता है, तभी जा कर के हमारा राइटिंग प्रोसेस अच्छा होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।